देवियों और सज्जनों मेरे प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार ढेर सारी दुआएं और बहुत सारा आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारे दोस्तों जब मुझे यहाँ आकर आप सबको संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये जिम्मेदारी कितनी अहम और कितनी कठिन है मेरे टीचर्स से और बड़ों से जो मैंने सीखा उसने मेरे दिल और दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा है उनकी दी हुई सीख मुझे आज आप सबके सामने खड़े होने का योग बना रही है इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसलिए जी इसलिए वहाँ बैठे सभी गुरुजनों को टीचर्स को मैं प्रणाम करता हूँ देखिए मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करना हूँ और उससे सीखता भी हूँ मैं मेरे विचार एप्रिहेंशन से नहीं ऑब्जर्वेशन से बनते आई ओनली हैव ऑब्जर्वेशंस टू लर्न फ्रॉम शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है बड़े 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 गुणीजनों साहित्यकारों का हमारे घर में आना जाना हुआ करता था उन्हीं के बीच बैठकर उनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा एडुकेशन आपके पास आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं धन हो या सोना दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है मनी लेडीज एंड जेंटलमैन एनी वन कैन स्टील बट नॉलेज नॉट बी स्टोलन फ्रॉम यू इसलिए मैं समझता हूं कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महिलाओं और बेटियों को शिक्षित करना ये बहुत ही आवश्यक है और इस अभियान में जी हाँ इस अभियान में मैं अपना योगदान देता रहता हूँ देखिए जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है मेरे ये अनुभव सुनने में शायद साधारण लगे पर इनमें छिपा सार असाधारण है अनमोल है यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है वेपन्स हैं, शस्त्र है धन है किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते हैं या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं दौलत आज होगी कल नहीं शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है वंस इट इज यूज इट बिकम्स obsolete. पर पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता नॉलेज कैन नेवर बी एब्सुलट शास्त्र शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है अब देखिए एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया कितने सैनिक थे यह शायद आपको याद ना हो पर जीरो की खोज किसने की बल्ब का आविष्कार किसने किया राष्ट्रगान किसने लिखा ओथेलो मैकबेथ की रचना किसने की यह आपको जरूर याद रहेगा इतिहास इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन विलियम शेक्सपियर रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है क्योंकि ज्ञान वो कवच है वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी सो डियर स्टूडेंट्स देवियों सज्जनों नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। प्यारे दोस्तों ये मेरा अनुभव है ये मेरा अनुभव है और शायद मेरी इस बात से यहां बैठे कई विद्यार्थी सहमत होंगे कि दो चीजें इंसान यदि अपने जीवन में एक बार सीख लेता है तो वो उसे कभी भूलता नहीं एक है तैरना स्विमिंग दूसरा है साइकिल चलाना सालों बाद भी अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपको स्विमिंग करना या साइकिल चलाना याद है कि नहीं यू विल कॉन्फिडेंटली डू इट काश कि हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें काश कि हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें बिना इस बात की चिंता किए कि एंड रिजल्ट क्या होगा साल के अंत में जब हम परीक्षा देखने बैठेंगे तो कुछ याद रहेगा या नहीं अच्छे नंबर के पास आएंगे या नहीं वो हमारे पास नंबर आ पाएंगे या नहीं प्यारे दोस्तों आपकी शिक्षा की ये दिन आपको कुछ समय के लिए गंभीर जरूर रख सकते हैं, पर इस गंभीरता का फल आपको आपके आने वाले दिनों में उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा बिकॉज आई सिंसेरली फील ट वेन यू विल चेस नॉलेज नंबर्स विल ऑलवेज फॉलो और इस बात का जीता जागता उदाहरण मैं हूं जो बातें जो ज्ञान मैंने अपने शिक्षा काल में दौरान पाई वो आज भी मेरे जीवन की कठिन परिस्थितियों से पार होने में, में मेरी मदद करती रहती और मेरी कोशिशों में भी वो मदद करती रहती है आपका साथ आपकी प्रशंसा के रूप में उम्मीद से कहीं ज्यादा मुझे प्यार देती रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कई बार कई बार मैं सोचता हूं कि काश मैं फिर से स्कूल जा सकूं कॉलेज जा सकूं शिक्षा प्राप्त कर सकूं आज एम टी के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही खास दिन है इस संस्था के बारे में जानकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यह किसी गुरुकुल से कम नहीं है यहां पर गुरु और शिष्य का संबंध अटूट है देखिए गुरुकुल की प्रथा हमारी संस्कृति का हिस्सा है ज्ञान प्राप्त करके राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने समय के साथ गुरुकुल का स्थान हॉस्टल में बदल गया पर गुरु का स्थान वही रहा वो नहीं बदला वो हमेशा सबसे ऊंचा रहा है गुरु का स्थान सबसे ऊंचा रहा है इसीलिए जितने भी विद्यार्थी गण हैं वो आज यहां नीचे बैठे हैं और आपके जितने गुरु हैं वो सब वहां ऊपर बैठे क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मय श्री गुरु वे नम हमारे शास्त्रों में कई ऐसे किस्से कहानियां हैं जिससे हमें शिष्य के प्रति गुरु का कर्तव्य और गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा का प्रमाण मिलता है देखिए महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से और अपने गुरुकुल में लाने से इनकार कर दिया था तो एकलव्य ने क्या किया अपने गुरु की प्रतिमा एक मूर्ति बनाई और केवल उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर ही धन और विद्या सीखने में वही सफलता प्राप्त की जो बाकी योद्धाओं को द्रोणाचार्य के गुरुकुल में रहकर हुई उस प्रतिमा के रूप में एकलव्य को हमेशा अपने गुरु के पास रहने का एहसास था और जब गुरु और जब गुरु साथ में हो तो सफलता हासिल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है मैं ऐसा समझता हूं मैं ऐसा समझता हूं कि विश्व का पहला ऐप ऐप जो होता है ना मोबाइल पे विश्व का सबसे पहला ऐप बनाने का श्रेय एक लवी को ही जाना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों हम यही चाहेंगे कि आप सब भी इन्हीं की तरह सफल हों, आगे बढ़े अपने सपनों को पूरा करने में आपके सामने कभी कोई रुकावट ना आए आप कहीं भी हो आप कभी भी चाहें अपने गुरु से मार्गदर्शन पा सकते हैं इन बातों का ख्याल रखना ही एक अच्छे गुरुकुल की एकमात्र निशानी है योग्यता है और इस योग्यता में एम टी एड्यूकेयर का कोई मेल नहीं है दिस इज ए मॉडर्न कूल गुरुकुल विच बिलीव्स दैट वेर एवर यू आर वेर एवर यू मे बी You are never going to be far away from your guru. MT Educate के जरिए अब आपका गुरुकुल और आपके गुरु भी हमेशा आपके साथ रहेंगे ताकि आपको भी आपके जीवन में कभी द्रोणाचार्य की कमी महसूस ना हो देखिए गुरुकुल की परंपरा आज भी जारी है बस फर्क अब इतना है कि गुरुकुल आपके पास चलकर आएगा आजकल की युवा पीढ़ी आजकल की युवा पीढ़ी या तो ऐप्स पे चलती है एब्स या तो ऐप्स पे चलती है ऐसा लग रहा है कि एब्स तो माशाल्लाह आप सबके अच्छे ही दिख रहे हैं जिम जाने की जरूरत नहीं है बस ऐप्स पे जाने की आपको जरूरत है एक लव्य की सफलता से इंस्पायर्ड होकर एम टी एडुकेयर भी आपकी दुनिया में एक ऐसा ऐप लेकर आ रहे हैं जिसके जरिए आपका गुरुकुल ही गुरुकुल ही नहीं आपके सहपाठी आपका परिवार सब आपकी सफलता का साक्षी होंगे